नमस्कार, पूर्वांचल समाचार देख रहे हैं आप और मैं बुधेश्वर शुक्ला, और अभी मैं मौजूद हूँ हथुआ के अतीत और हथुआ के यादगार बिहार के सबसे बड़े चीनी मिल में, जहाँ की तस्वीरें आप सीधे अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं और मैं वहाँ मौजूद भी हूँ। यहाँ कोई बात करने के लिए तो उपलब्ध है नहीं, लेकिन यहाँ की तस्वीरें वो साक्ष और अपनी बातें बयां करती हैं कि जिस समय हथुआ चीनी मिल चल रहा होगा या हथुआ चीनी मिल अपने पूरे शबाब पर होगा, उस समय क्या स्थिति होगी यहाँ की, कैसा चहल पहल और कैसा कोलाहल हो रहा होगा यहाँ। लेकिन आज बिहार के अतीत में हथुआ का नाम देखा जा रहा है या सुना जा रहा है। इस विशेष रिपोर्ट में हम आपको यही दिखाने के लिए यहाँ हाजिर हैं, तो बने रहें आप हमारे साथ सिर्फ पूर्वांचल समाचार पर। चुनाव आते हैं और ख़त्म भी हो जाते हैं, लेकिन नेताओं के किए गए वादे ज़्यादातर पूरे नहीं होते। जिले में कई समस्याओं के समाधान के लिए तमाम प्रकार के वादे किए गए और भुला दिए गए। उसी कड़ी में एक वादा हथुआ चीनी मिल का भी है, जिसके चालू होने के आस में कई कर्मी भगवान को प्यारे हो गए और कुछ सरकार की ओर टकटकी लगाए हुए हैं। गोपालगंज का हथुआ चीनी मिल सन 1996-97 में गन्ने की पेराई करने के बाद से बंद पड़ा हुआ है। इस चीनी मिल को दोबारा चालू करने के लिए प्रदेश की नीतीश सरकार से लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक ने बहुत दावे किए, बावजूद इसके गोपालगंज का यह हथुआ चीनी मिल आज भी अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। चीनी मिल सरकारी उदासीनता के कारण पिछले 23 सालों से बंद पड़ा हुआ है। हथुआ स्थित यह चीनी मिल बिहार का पहला ऐसा चीनी मिल था जिसकी चीनी विदेशों में निर्यात की जाती थी। देश की उत्कृष्ट चीनी उत्पादन इकाइयों में से एक गोपालगंज की यह चीनी मिल का भवन अब खंडहर में तब्दील होने लगा है। इस मिल के सभी कलपुर्जों में अब जंग लग गया है। यह जंग सिर्फ चीनी मिल के मशीनों में नहीं लगा, बल्कि मिल के कर्मियों की जिंदगी में भी गहराई तक पहुंच चुका है। वेतन के अभाव में कई बीमार कर्मियों की मौत हो चुकी है और जिंदा हैं वो अब भी इस मिल के दोबारा शुरू होने की आस लगाए हुए हैं। उनका मानना है कि मिल के दोबारा शुरू होने से बदहाली के कगार पर पहुंच गए इन परिवार और गन्ना किसानों का कुछ भला हो सकेगा। पिछले दो विधानसभा चुनावों में साल 2010 में साहू जैन उच्च विद्यालय के प्रांगण में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चीनी मिल चालू कराने का वादा किया, लेकिन यह वादा आज तक पूरा नहीं हो सका। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी चुनाव प्रचार के दौरान चीनी मिल का जिक्र किया और वादा किया था कि इस बंद चीनी मिल को शुरू किया जाएगा, लेकिन वे भी अपना वादा भूल गए। लोगों के मुताबिक तत्कालीन सरकार की गलत नीतियों की वजह से प्रदेश की कई मिलों में ताला लटक गया, जिसमें गोपालगंज का यह हथुआ चीनी मिल भी शामिल है। यहाँ करीब 2400 कर्मी कार्यरत थे। यहाँ गोपालगंज के अलावा पूर्वी यूपी के कई जिले चंपारण, सिवान और छपरा के गन्ना किसानों के गन्ने की भी खरीदारी व पेराई होती थी। वैसे घोषणाएँ तो बहुत हुई, लेकिन इन पर अमल की कवायद नहीं हुई। ऐसे में उद्योग धंधे चौपट हो गए, चीनी मिल से लेकर डालडा फैक्ट्री तक करके बंद हो गए। मिलों के बंद होने से कामगार संकट में तो आए ही, उन परिवारों का भी बुरा हस्त होने लगा। कई पैसों के अभाव में भूखों मरने को विवश हुए तो कुछ ने मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार को जैसे तैसे संभाला। आज स्थिति यहां तक पहुंच गई है कि इन मिलों में काम करने वाले मजदूर या उनके परिजनों की आस पूरी तरह से टूट चुकी है। इन परिवारों के लोग सूबे में आने वाले व नेताओं तथा आने वाली सरकारों की वादा खिलाफी का मलाल जरूर अपने दिल में संजोए हुए हैं। ऐसे में यह सवाल जरूर खड़ा होता है कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्र सरकार में बैठे उन तमाम आला अधिकारियों और अपने साथ सरकार में मजबूत खंभे के रूप में तैनात एनडीए के उन तमाम घटक दलों को लोकल फॉर वोकल का नारा देते हैं, या उन सभी जगहों पर प्रवासी मजदूरों के लिए जो बिहार से दूसरे राज्यों में जाकर काम करते हैं उनके लिए कल कारखाने खोलने की बात करते हैं, उद्योग धंधे लगाने की बात करते हैं, तो ऐसे में इन बंद पड़े चीनी मिल या किसी भी उद्योग को चालू करवाने की कवायद क्यों नहीं की जाती। अगर आप यह वीडियो फेसबुक प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं तो आप हमारा पेज लाइक व इस खबर को शेयर करें, तथा अगर यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे साथ
आने वाले उन तमाम खबरों को आप सबसे पहले अपने मोबाइल पर पा सकें। धन्यवाद।